भागवत जी का महत्व क्या है, भागवत जी का सार क्या है। कहते हैं कि भगवान के तीन स्वरूप हैं महाराज, सत्य चित्त और आनंद। तीन स्वरूप हैं भगवान, सत्य चित्त और आनंद। सत्य जो है वो हर जगह व्याप्त है, सत्यता कभी झुठलाई नहीं जा सकती। भगवान सत्य रूप में और चित्त जो है वो मौन है, चित्त जो है मौन है। और आनंद है प्रगट, आनंद का कोई रूप नहीं। भगवान तीन रूपों में है, सूर्य को प्रकाश देना, चंद्रमा को शीतलता देना, ये परमात्मा का ही स्वरूप है। और आनंद की बात कर रहे हैं, हम लोग तो आनंद को कहां ढूंढते हैं, आनंद थोड़ी देर का लेते हैं। कोई बर्गर खाने में आनंद को ढूंढता है, कोई चाट पकौड़ी में आनंद को ढूंढता है कि चाट पकौड़ी खाई आनंद आ गया, आज हमने पिज्जा खाया आनंद आ गया, आज हमने मटर पनीर खा लिया तो आनंद आ गया। आनंद को बड़ा सस्ता बना दिया। अगर आपने आज मटर पनीर खाया तो आनंद कितनी देर रहा, जब तक आपके पेट में नहीं गया। वो जीवा का स्वाद है आनंद। बहुत से लोग आनंद को वस्त्रों में ढूंढते हैं, बहुत से लोग आनंद को गाड़ी में ढूंढते हैं। ये गाड़ी ले लिया आनंद आ गया, ये बंगला बना लिया आनंद आ गया, माताएं गहने ले आई आनंद आ गया। अगर गहनों में आनंद है तो कुछ ही दिनों बाद उस गहनों को अलमारी में रख देते, फिर दूसरा ले आते, आनंद कहां चला गया उसका। अगर आनंद था तो हमेशा वही गहना पहनना चाहिए, लेकिन वो आनंद नहीं है, वो आपकी संतुष्टि, कुछ ही समय की संतुष्टि, और कुछ समय के बाद जब संतुष्टि नहीं होती तो दूसरा ले आते। जिस प्रकार दूध के अंदर मक्खन होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता, दूध को दही में बदलना पड़ेगा, उसका मंथन करना पड़ेगा, फिर मक्खन प्राप्त होता है। उसी प्रकार इस परमात्मा का अगर आपने आनंद लेना है तो अपने मन का मंथन करना पड़ेगा उसके नाम से, तब आपको आनंद। और कहा भी गया है, आपने देखा होगा, आप जब हम चौथे दिन कृष्ण जन्म की कथा करेंगे तो उसमें कहा जाता है ना, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हम ये नहीं कहते नंद घर छोरा भयो, नंद घर कृष्ण भयो, हम नहीं कहते नंद घर आनंद भयो, क्योंकि भगवान ही आनंद है, कृष्ण ही आनंद है। आनंद नाम दिया है भगवान का, नाम ही आनंद, जो आनंद कभी समाप्त ना हो, वो परमात्मा, वो आनंद। और जो आनंद कुछ समय के लिए आए वो आनंद नहीं है, वो हमारी इच्छा है, हमारी संतुष्टि। बोलो हरे कृष्णा, कुछ खाकर आए महाराज, बोलो हरे कृष्णा। सत्य चित्त और आनंद ये तीन रूप हैं भगवान।